हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आपके लिए एक और जो है क्रोशेट की चीज़ लेकर आई हूँ। ये देखेंगे आप, ये पत्ता दिख रहा है, लीफ है बेसिकली। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत से लीफ है ये। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। देखेंगे आप, अब ये दिखाने जा रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। मैं 3.5 mm की क्रोशेट ले रही हूँ, कॉटन की थ्रेड है मेरे पास। ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब करना क्या है आपने, पहले हमने चेन डालनी है। पहले तो हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखेंगे ये घुमा दिया आपने और इसे ऐसे लिया और एक नॉट बना दिया। अब यहाँ पे आपने जितना बड़ा या जितना छोटा करना है उस हिसाब से आप इसमें चेने डालेंगे। तो ये है आपका पहला, देखेंगे आप, ये डाला आपने एक, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढीली नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब लीफ अपने हिसाब से देखिएगा, सात, आठ, आठ और एक नौ और कर देते हैं, नौ कर लिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे ये वाले से, यानी कि पहला चेन छोड़ के ये जो नेक्स्ट चेन है इससे आपने जो है इसे लेना है। ये देखेंगे, ये लिया ऐसे एक, फिर इसके नेक्स्ट चेन में गया, ऐसे लिया दो, थोड़ा सा जो है आप धागे को खींचेगा ज़रूर, फिर ये लिया तीन, ये देखिए, फिर ये लिया चार, अगेन ये लिया पांच, जितना नीचे जाएगा उतना आपने थ्रेड को थोड़ा सा खींचना है ऐसे, ये लिया आपने छः, और एक और ले लेते हैं हम सात। आप चाहे तो चेन लंबी रख सकते हैं, देखेंगे ऐसे लिया अब आपने, देख रहे हैं। अब करना क्या है, ये लिया नॉट और इन दोनों में से दो लाइंस में से आपने ऐसे निकालना है, दो लाइंस में से, ये देखिए, ये दो में से निकाला, फिर डाला, फिर 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 दो में से निकाला। ये देखें, देखिए कितना खूबसूरत सा आपका ये साइड बन गया है। अब करना क्या है, क्योंकि अब आपने इस साइड भी करना है, तो इसी को आप पलट लीजिएगा ऐसे, ये देख रहे हैं आप, यहीं पे आपने इसे पलट लिया, उंगली में आपने ऐसे बांधा, फिर वही जितने फंदे आपने यहाँ से उठाए थे उतने ही आप यहाँ पे ऐसे लेंगे। देखेंगे कि एक, देख रहे हैं, फिर डाला आपने इसमें, देख रहे हैं आप, ये चेन है, ये दो, फिर डाला तीन, जितना वहाँ पे लिया होगा उतना यहाँ पे लीजिएगा, चार, पांच, ये लिया छः और एक ये सात, ये देखिए एग्जैक्टली सेवन, जितना आपने वहां पे लिया उतना ही आप यहाँ पे भी लीजिएगा, छः सात, ये देखेंगे सात लिया। अब वही चीज जैसे वहां पे किया, ये निकाला डाला और इन दोनों में से ऐसे निकाल लिया, फिर ये डाला इन दो में से, फिर ये किया इन दो में से, अगेन ये किया इन दो में से, फिर ये किया इन दोनों में से, ये लिया इन दोनों में से, ये लिया इन दोनों में से, ये देखिए। और आपने इसे जस्ट एक फंदा ऐसे बना लेना है और फिर काट के इसे निकाल लीजिएगा। ये आपकी मर्जी, आप इसे ऊपर चेन बना के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये देखे पत्ता, ये कितना खूबसूरत सा जो आपका है ये पत्ता बन गया है इस तरीके से। तो आप ये पत्ता बना के आपने की रिंग्स बना सकते हैं, आपने प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, या काफी बड़े बड़े पत्ते बना के आप उसका ड्रेसिंग टेबल, टेबल मैट कुछ भी बना सकते हैं, जो आप चाहें इससे बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ आप की रिंग या किसी उसको छल्ले में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ तक बना लेंगे फिर आप ऐसे चेन बनाइएगा इस तरीके से, ऐसे, और वापस यहाँ पे लाके इसमें से इसको आप निकाल लेंगे। तो ये जितना बड़ा या छोटा आपने इस तरीके से रखना है, देखेंगे ये छल्ले में आपके यूज हो जाएगा, और फिर इसे आप बंद करके काट दीजिएगा और नीचे कर लीजिएगा। देखेंगे ये मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया है,
ये देखेंगे आप, ये किया आपने, ये लिया, इसे खींच दिया। अब इसे सुई से हम पीछे से बैक साइड से बंद करेंगे, तो ये जो है आपका देखेंगे आप, ये बन गया। अब ये आप की रिंग में, छल्ले में, किसी में भी इसे डाल सकते हैं। और यहाँ अब ये देखिए, ये आपका इस तरीके से बन गया। तो अब आपकी जो भी की रिंग होगी आप उसको इस तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, देखिए कितना खूबसूरत सा ये की रिंग का आपका बन गया। आप चाहे तो इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये वाली पोर्शन भी आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखेंगे आप, तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।